नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता, स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के इस वीडियो में। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर पर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, कई तरह के मेंटल और फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। और प्रेगनेंसी जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जब महिला को पता चलता है कि उसके शरीर में ट्विंस पल रहे हैं। हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है, जिन महिलाओं को पता चलता है कि उनके अंदर ट्विंस पल रहे हैं, वो अक्सर वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम का शिकार हो जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये बीमारी क्या है और आपके लिए जरूरी क्यों है इस बीमारी के लक्षण जानना। किसी भी महिला को जब माँ बनने की बात पता चलती है तो उसका मन और जीवन खुशियों से भर जाता है। इसी बीच शुरुआती जांच से पता चले कि जुड़वा बच्चे गर्भ में है तो माँ बनने की खुशी दोगुनी हो जाती है। लेकिन आगे चलकर जब दूसरी बार जांच की जाए तो पता चलता है कि गर्भ में एक ही बच्चा है, दूसरा कहीं दिख ही नहीं रहा। ऐसे में माँ बनने वाली महिला सबसे पहले तो घबरा जाती है, उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसका बच्चा कहाँ गया। साथ ही वह अपने दूसरे बच्चे को लेकर भी परेशान हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर्स बताते हैं कि उस महिला को वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम हुआ है, यानी जुड़वा बच्चे में से एक का विकास नहीं हुआ है और वह गर्भ में ही अवशोषित हो गया है, केवल दूसरा बच्चा ही गर्भ में बढ़ रहा है। लेकिन असल में ऐसा होता क्यों है और माँ को इस बारे में पता कैसे नहीं चलता? साथ ही ऐसी प्रेगनेंसी से कहीं महिला को तो कोई समस्या नहीं होती? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। असल में एक भ्रूण के अनुवांशिक कोड में कुछ असमानताएं होती हैं जिसके कारण उसका विकास रुक जाता है, वह गर्भ से गायब हो जाता है। इसे भी एक तरह का गर्भपात माना जाता है। ऐसा अधिकतर कई गर्भधारण के दौरान हो सकता है। जब एक भ्रूण का विकास रुक जाए तो उसके उत्तक माँ या दूसरे जीवित भ्रूण में अवशोषित हो जाते हैं। इसी कंडीशन को वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहा जाता है। वैसे एक भ्रूण की अवशोषण की ये प्रक्रिया आमतौर पर हानि रहित होती है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स के संपर्क में रहना जरूरी होता है। वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम के लक्षण सामान्य गर्भपात के लक्षणों के समान ही होते हैं। गर्भवती महिला के गर्भाशय में ऐठन होती है, हल्का रक्तस्राव यानी ब्लड स्पॉटिंग होती है, पेल्विक एरिया और पीठ में दर्द होता है। ऐसे में कई महिलाओं को लगता है कि ऐसा तो प्रेगनेंसी के दौरान होता ही है, वह इन बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। गर्भावस्था के दौरान वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है, तभी आगे सावधानी रखी जाती है। अगर पहली तिमाही में ही भ्रूण गायब हो जाता है, इस स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भवती महिला को उसके जीवित भ्रूण को किसी भी जटिलता का अनुभव नहीं करना पड़ता है। इसके बाद भी गर्भावस्था जारी रहेगी और दूसरे भ्रूण का विकास ठीक से होगा। लेकिन भ्रूण दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में गायब हो जाता है तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। इस दौरान डॉक्टर गर्भावस्था की अधिक बारीकी से निगरानी कर सकते हैं। दरअसल पहली तिमाही के बाद होने वाला वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम उच्च जोखिम वाला माना जाता है। ऐसे में डॉक्टर के गाइडेंस में रहना जरूरी होता है, क्योंकि इस समस्या का एक ही इलाज है, सही मैनेजमेंट, जिससे कि गर्भवती महिला का स्वास्थ्य और जीवित बच्चे भ्रूण का स्वास्थ्य ठीक रहे। इलाज के साथ साथ महिला को अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई भी परेशानी महसूस होती है तो घरेलू नुस्खों से बचकर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।